सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका बायोग्राफी सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के सबसे अनुभवी ऑफिसर्स में से एक और वर्तमान समय में सेना प्रमुख के तौर पर नियुक्त 28वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल MM नरावने के बारे में और जानेंगे इनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। और हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जान के आपका इनके लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। इनका पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरावने और इनका जन्म 22 अप्रैल 1960 यानी कि 1960 में महाराष्ट्र राज्य की दूसरी सबसे बड़ी सिटी पुणे में हुआ था। और जनरल MM नरावने एक मराठी परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके जो पिताजी हैं मिस्टर मुकुंद नरावने, वे खुद एक फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हैं और वे विंग कमांडर रैंक से रिटायर्ड हैं। और जो इनकी माताजी हैं मिसेस सुधा नरावने, वे ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर रह चुकी हैं। और क्योंकि इनके पिता भी खुद इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस दे चुके हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि जो देशभक्ति की भावना है ये इन्हें विरासत में मिली है। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पुणे के जनना प्रबोधनी प्रशाला से प्राप्त की है और ये पुणे के खड़कवासला में स्थित नेशनल डिफेंस अकेडमी और देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री अकेडमी के भूतपूर्व छात्र रह चुके हैं। और इन्होंने चेन्नई के यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से डिफेंस स्टडीज में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। और इसके अलावा डिफेंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज में इन्होंने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से MPhil की डिग्री भी हासिल की है। और ये मोह में स्थित आर्मी वॉर कॉलेज और वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज को भी अटेंड कर चुके हैं। अगर बात करें इनके शानदार मिलिट्री करियर की, तो जनरल MM नरावने सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक के साथ 7 जून 1980 में इंडियन आर्मी की 10 सिख लाइट इन्फेंट्री की 7वीं बटालियन में कमीशन हुए थे। ये अपने मिलिट्री करियर के दौरान 106 इन्फेंट्री ब्रिगेड और जम्मू कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय राइफल्स की सिखली की 2री बटालियन को कमांड कर चुके हैं। और इन्होंने कोहिमा में स्थित असम राइफल्स को इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर भी कमांड किया है। और इनके पास 39 से भी अधिक वर्षों का अनुभव है और ये जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी काम कर चुके हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने ऑपरेशन पवन के दौरान भी श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में भी अपनी सेवा दी थी। और केवल इतना ही नहीं बल्कि ये म्यांमार में मिलिट्री अटैच की भूमिका भी निभा चुके हैं। और जब इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर प्रमोट किया गया था, तब इन्होंने अम्बाला में स्थित खड़गा स्ट्राइक कोर को कमांड किया था और साथ ही दिल्ली एरिया में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर सर्विस दी थी। और जनरल MM नरावने 10 सिख लाइट इन्फेंट्री के तीसरे ऑफिसर हैं जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी कि सेना प्रमुख बने हैं। और इनसे पहले इसी रेजिमेंट के रिटायर्ड जनरल वेद प्रकाश मलिक और रिटायर्ड जनरल विक्रम सिंह भी सेना प्रमुख रह चुके हैं। और ऐसा करके 10 सिख लाइट इन्फेंट्री ने भी एक इतिहास बनाया है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी की एकमात्र ऐसी रेजिमेंट बन गई है जिसने 3 आर्मी चीफ्स दिए हैं। बाकी जनरल MM नरावने ने 1 अक्टूबर 2018 से लेकर 31 अगस्त 2019 तक ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर भी सेवा दी है, और जबकि इन्हें 1 सितंबर 2019 में इंडियन आर्मी के वाइस चीफ के तौर पर नियुक्त किया गया था। और इनके करियर के दौरान इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और COAS कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। और चूंकि ये ईस्टर्न कमांड के GOC के तौर पर सर्विस दे चुके हैं, तो इसीलिए इन्हें चीन से जुड़े मामलों में काफी ज्यादा जानकार माना जाता है। और जनरल MM नरावने वही ऑफिसर हैं जिन्होंने ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ के पद पर रहते हुए ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि अगर चीन हमारी सीमाओं में 100 बार घुसपैठ करता है तो हमारी सेना 200 बार करेगी। बता दें कि ईस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी है उत्तर पूर्व में चीन से लगी सीमाओं की रक्षा करना, और जनरल MM नरावने को एक बेहद ही कड़क अधिकारी माना जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि दिल्ली में एक बार अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने सरकार के मौखिक बयान को ना मानते हुए साफ कह दिया था कि वे लिखित आदेश का ही पालन करते हैं। और अगर इनके पूरे मिलिट्री करियर को देखें, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जनरल MM नरावने को सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करने का बेहद ही अच्छा अनुभव है। और इन्होंने आर्मी चीफ का चार्ज ऐसे समय पर संभाला है जब इंडियन आर्मी एक मैसिव मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से गुजर रही है। और एक सबसे खास बात ये भी है कि वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस के जो तीनों चीफ्स हैं, यानी कि एयरफोर्स के हो गए एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, इंडियन नेवी के हो गए एडमिरल करमबीर सिंह और इंडियन आर्मी के जनरल MM नरावने, ये तीनों ही नेशनल डिफेंस अकेडमी के एक ही बैच से पास आउट हैं। और इन तीनों के ही पिता पहले इंडियन एयरफोर्स में सर्विस दे चुके हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशन हो, तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।